Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected parents and dear students, hope all of you will be in the best state of health and iman. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के थ्रेट्स की वजह से हम सब लोग आइसोलेशन में हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो भी आप लोगों की जो हम लोग को प्रिकॉशंस बताई गई हैं आप उसके पर अमल भी कर रहे होंगे. जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ग्लव्स भी हैं, मैंने मास्क भी लिया हुआ है और ये सैनिटाइजर भी मौजूद है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन तमाम बातों का ख्याल रख रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसेस पर होंगे. तो आज का जो मेरा मकसद है वो आपको सिर्फ ये पैगाम देना है कि हम आजकल आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और ये सब क्यों हो रहा है और कब तक चलेगा. तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इसके मुतालिक है वो आपको बता दें कि जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले कहा कि जो स्कूल्स हैं वो 6 अप्रैल तक खुल जाएंगे, लेकिन जैसे कि आपको पता है सिचुएशन अभी कुछ ठीक नहीं है. तो ये जो छुट्टियां हैं आजकल इनको समर वेकेशंस का नाम दे दिया गया है और इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे. हमें बहुत उम्मीद है, अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए. तो 1 जून से हम लोगों का स्कूल रीओपन हो जाएगा. तो तब तक के लिए हम लोगों ने थोड़े बहुत काम किए हैं बच्चों के लिए. जैसे कि तमाम लोग इस चीज से मुतासिर हो रहे हैं तो उसी तरह हमारे बच्चे भी बहुत अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि स्टडी से दूर हैं, घर में आप जितनी भी कोशिश करें स्कूल जैसा माहौल नहीं बन पाता. तो हम अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमें पेरेंट्स का ताउन दरकार है. हम लोगों ने क्या किया है कि हमने उनके सिलेबस से उनको इन टच रखने के लिए थोड़ी सी कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें उनका जो सिलेबस है उसकी रीडिंग है, वर्कबुक्स हैं, उनका थोड़ा बहुत काम हमने करवाया है. ऑनलाइन टीचिंग की तरफ हम इसलिए नहीं गए कि ऑनलाइन में बाज़ुकात नेटवर्किंग का इशू होता है, इलेक्ट्रिसिटी के इशू होते हैं, बाज़ुकात घर में कुछ माहौल इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता कि आप ऑनलाइन उस वक्त आप अवेलेबल हो सकें सब लोग. तो इसलिए हम लोगों ने ये लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं और हमारा एक YouTube चैनल हमने बनाया है. इंशाल्लाह उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस मैसेज के साथ भी दे दी जाएगी और रोज के हिसाब से जितनी वीडियोस अपलोड होंगी उस चैनल पे वो आपको अपडेट करते रहेंगे हम लोग. तो आपने क्या करना है कि आपने अपने बच्चों के साथ मिलकर उन वीडियोस को देखना है और बच्चों को साथ के साथ काम करवाना है जैसे कि हम लोग क्लासेस में करते हैं. आप क्लास में खुद ब खुद एक पढ़ाई का माहौल बन जाता है और वहां बच्चों को टीचर सुपरवाइज करती हैं. घर में बच्चों को उस तरह का माहौल देना थोड़ा सा मुश्किल है. उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करनी पड़ेगी कि आप कोई एक ऐसा रूम, एक ऐसा कॉर्नर अपने घर में रखें कि जहां पे आप बच्चों को डेली वहां पे बिठा के उनको काम करवाएं. उसके साथ साथ आप उनको सुपरवाइज करें क्योंकि जब तक आप उन्हें सुपरवाइज नहीं करेंगे बच्चा उस चीज को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं करेगा. और अब जैसे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपने बच्चों का जो कोर्स करिकुलम है उसके साथ अवेयर हो सकें, आप देख सकें कि उसको क्या काम है दिया जाता है, वो कैसे उसको करता है, तो बच्चे की वीकनेसेस उसकी स्ट्रेंथ आपको बहुत आराम से पता चल जाएंगी और बाद में आप हमें भी गाइड कर सकेंगे ताकि हम बच्चे के लिए मजीद कुछ बेहतर काम कर सकें. तो इसके लिए सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने एक तो ये कोर्स बुक है और कोर्स का काम को बहुत ज्यादा नहीं है. रोजाना हम कोशिश करेंगे कि एक सब्जेक्ट को हम टच करेंगे और आप लोगों ने बच्चे को वो काम जो करवाना है वो उसका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड है. उसके अलावा हम लोगों का हेड ऑफिस की तरफ से समर वेकेशन टास्क भी आया है, इंशाल्लाह वो भी साथ के साथ आपको दे दिया जाएगा. एक बच्चा जब स्कूल आता है तो 6 घंटे की पढ़ाई होती है, तो घर में आप 6 घंटे उसको नहीं पढ़ा सकते, लेकिन अगर आपने उसको दिन में सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट या आधा घंटा पढ़ाया तो आप एक चीज याद रखें कि इन 3 महीनों के बाद जब बच्चा स्कूल आएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा 6 आवर्स की पढ़ाई करना और फिर घर जाके उसको रिवाइज भी करना. तो अभी से ही अगर आप अपने बच्चे की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी रूटीन सेट करेंगे तो बच्चा थोड़ा सा आदी होगा काम करने का, ठीक है. तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं मेरी तरफ से. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इसमें हमारा साथ भी देंगे और अगर आपको इसके मुतालिक कोई तहफ़ुज़ात हैं या कोई चीज आप शेयर करना चाहते हैं, तारीफों की तो हमें हर वक्त जरूरत रहती है, आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, आप हमें इसके मुतालिक कुछ मशवरा भी दे सकते हैं. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर कर सकें. तो उसके लिए हमें आपके फीडबैक की जरूरत होगी, वो भी जरूर दीजिएगा. और इसके मुतालिक ये है कि हम लोग सिर्फ एक काविश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बाकी सब रब ताला के हाथ में होता है. सिर्फ अपनी काविश को हम लोगों ने खालिस रखना होता है.
तो अपने बच्चों के ही बेटर फ्यूचर के लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें और ये जो एफर्ट हम करने जा रहे हैं इसमें हमारा साथ दें, इंशाल्लाह कि बहुत बेहतरी होगी। और जब हम 1 जून को दोबारा से मिलेंगे तो हमें नजर आएगा कि हमारे पेरेंट्स ने हकीकी तौर पे उस्ताद बन के दिखाया है, वो उस्ताद जो स्कूल में बच्चों को काम करवाता है, पेरेंट्स भी वक्त पड़ने पर वो उस्ताद का रोल प्ले कर सकते हैं घर पे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और हमें अपना फीडबैक भी देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह।